गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है हर कोई बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। हम जरा आज आ गए हैं बाहर, अपना हॉली लैंड लार्क M1 वायरलेस माइक सीरीज का तीसरा पार्ट शूट करने। सो आज हम इसको टेस्ट करेंगे अपने GoPro और Insta360 पे, और आउटडोर भी देख लेंगे जरा इसकी आवाज़ कैसी आती है। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक वाइक जरा खड़ी यहाँ सुनसान जगह पर, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो भाई ये खड़ी अपनी बाइक, ऊपर बढ़िया मस्त रोड जा रही है, उससे उतर के हमने थोड़ा सुनसान जगह देखी, सोचा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग आराम से, शांति से सब कुछ सेटअप करके। सो भाई सेटअप अपना पूरा हो गया है, हेलमेट पे लगा दिया मैंने हॉली लैंड लार्क M1 रिसीवर, और ये रहा मेरे हाथ में ट्रांसमीटर, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये है सेटअप, केसिंग, उसके ऊपर GoPro का अडाप्टर, TRS to TRS पैच केबल, और उसके ऊपर ये रिसीवर जो मैंने अभी डाल दिया है मोनो मोड पे, और इसको कर देंगे हाई। सो ये हो गया हाई। सो इसको लगा के आज इसको टेस्ट करेंगे हम विंड मफ लगा के। ये विंड मफ आपको लार्क M1 के साथ मिलता ही है। एक बार ही हम नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखेंगे और एक बार हम नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कैसा ऑडियो आता है। अब मैं जरा ये सब कुछ लगा के सीधे आपको मिलता हूँ बाइक पे। तो भाई 50-60 के बीच में ऐसी आवाज आएगी। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, 50-60 के बीच में ऐसी आवाज आएगी आपको। तो भाई 60-70 के बीच में, 60-70 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है अभी, और 60 और 70 के बीच में अपनी स्पीड है उसमें आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी। 70-80 के बीच में भाई ऐसी आवाज आएगी आपको GoPro से। हॉली लैंड लार्क M1 अगर लगाएंगे आप, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है और वॉल्यूम एकदम हाई पे सेट है। सो भाई 70-80 पे ऐसी आवाज आएगी, और 80-90 के बीच में आपको ऐसी आवाज आने वाली है, 80 और 90 के बीच में ऐसी आवाज आने वाली है आपको, 80 और 90 नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करके वॉल्यूम हाई पर सेट करके ऐसी आवाज आएगी आपको। 90-100 के बीच में आपका 110 तक पकड़ लीजिए, 90 से लेंगे 110 तक ऐसी आवाज आने वाली है आपको। अब जरा नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो भाई अब कर दिया नॉइस कैंसिलेशन ऑन, और नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ भी जरा देख लेंगे क्या सीन है इसका। सो भाई नॉइस कैंसिलेशन कर दिया गया है ऑन, वाइजर कर लिया गया है बंद, और 50-60 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है और वॉल्यूम एकदम हाई पे सेट है, और 50-60 के बीच में आपको हॉली लैंड लार्क M1 वायरलेस माइक से ऐसी आवाज आएगी। बढ़ा के ले जाते हैं इसको 70 तक, 60-70 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी, हॉली लैंड लार्क M1 नॉइस कैंसिलेशन ऑन, 60 से 70 के बीच में आपको ऐसी आवाज आने वाली है भाई। 70-80 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी, 70 से 80 के बीच में नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ आपको ऐसी आवाज आने वाली है, 80 से 90 के बीच में आपको ऐसी आवाज आने वाली है भाई, 80 से 90 के बीच में नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके आपको ऐसी आवाज आएगी, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके आपको 80-90 के बीच में ऐसी आवाज आएगी भाई, 90 से 100 के बीच में आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ ऐसी आवाज आने वाली है, 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके, 110 तक आपको ऐसी आवाज आएगी, 110 तक, 100-110 तक आपको ऐसी आवाज आएगी नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके, 100-110 तक। सो भाई अपनी GoPro
और हॉलीलैंड लार्क M1 की टेस्टिंग तो हुई कंप्लीट। आपने सुने होंगे ऑडियो, बताना आपको ऑडियो कैसे लगे, क्या इसको यूज़ कर सकते हैं फोटो व्लॉगिंग में या नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो अब इसको टेस्ट करते हैं इंस्टा 360 पे। सो भाई, आपको इंस्टा 360 में वायरलेस माइक लगाने के लिए अलग से क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको चाहिए होगा ये इंस्टा 360, उसके साथ चाहिए होगा ये अडैप्टर। ये अडैप्टर आपको वैसे भी लगेगा, अगर आप वायर्ड माइक भी यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये अडैप्टर लगेगा ही, ठीक है। ये इंस्टा 360 का अडैप्टर है। इसके अलावा आपको लगेगी एक केबल। ये केबल आपको तभी लगेगी जब आप वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हो। अगर वायर्ड माइक यूज़ कर रहे हो तो ये केबल की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट एक TRS माइक खरीद लो और ये जो पोर्ट दिख रहा है इसमें डाल के आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको चाहिए रहेगा ये एक दिख रहा है ना लोहे का, ये यूलांजी, इसको बोलते हैं यूलांजी PT20। कर फोकस भाई कर। आपको ये लगेगा एक यूलांजी PT20। इसका काम आता है रिसीवर को इसके ऊपर टांग सकते हैं आप, ठीक है। कोल्ड शू जैसी कोई जगह होती नहीं है इंस्टा 360 में। GoPro में आप कोल्ड शू में अटैच कर सकते हो रिसीवर को, पर इसके लिए आपको ये लगेगा इंस्टा 360 के लिए, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको अटैच कैसे करना है। भाई आपको दिख रहा होगा नीचे इंस्टा 360 में, सबको पता ही है ये स्क्रू माउंट रहता है। कोल्ड शू वाला जो अडाप्टर है उसमें भी आप देखो ये एक छेद है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलाइन करके दोनों को एक साथ टाइट कर देना है माउंट के ऊपर, जहाँ पे भी आपको ये कैमरा लगाना है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। आप इसको ऐसे माउंट कर सकते हैं। ये वो अडाप्टर है जो मैं बोल रहा था जिस पे भी रिसीवर टंगेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये और इसी के ऊपर अपना इंस्टा 360 दोनों के जो होल होते हैं उनको अलाइन करके आप ये स्क्रू माउंट पे इंस्टा 360 को माउंट कर दो। यहाँ पे लगा लो माइक वाला अडाप्टर। अब इन दोनों के बीच में लगेगी केबल और रिसीवर, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। भाई आपका कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा केबल और रिसीवर टांगने के बाद। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी केबल और रिसीवर हैं वो ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना इंस्टा 360 का, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे स्टिचिंग होती है, स्टिच लाइन वाला जो पार्ट है उसके सामने आना चाहिए, उसके एकदम सामने आना चाहिए। अगर ये सामने नहीं आया या इधर उधर है, हल्का सा भी इधर उधर है, तो आपको ये वीडियो में केबल दिखेगी या तो ये माइक दिखेगा, कुछ तो ना कुछ दिखेगा ज़रूर, ठीक है। जब आप उसको रीफ्रेम करने का कोशिश करोगे, इस साइड का कुछ भी दिखाओगे तो आपको ये भी दिखेगा साथ में। अब जरा इसकी करते हैं टेस्टिंग, फिर देखते हैं कैसा आ रहा है ऑडियो। सो भाई माइक लगा दिया है हमने इंस्टा 360 पे टेस्ट करने के लिए। अब जरा देखते हैं इसकी ऑडियो कैसी आती है अलग अलग स्पीड्स पे। सो भाई 50-60 की स्पीड पे या 60-70 भी बोल सकते हैं आप इसको, 60-70 के बीच में ऐसी आवाज आएगी आपको। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है और जो माइक का वॉल्यूम है वो लेकिन हाई पे सेट है, और 60-70 के बीच में आपको ऐसी आवाज आ रही होगी। थोड़ी बढ़ाते हैं 80-90 के बीच में ऐसी आवाज आएगी आपको, 80-90 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी। थोड़ा और बढ़ाते हैं 90-100 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी, 90-100 के बीच में आपको ऐसी आवाज आएगी। हॉलीलैंड लार्क M1 माइक से 90-100 के बीच में अगर आप इंस्टा 360 पे लगाएंगे तो ऐसी आवाज आएगी। बाकी है भाई ऑडियो कैसा आ रहा है वो तो घर जाकर मुझे पता चलेगा। सो भाई 70-80 देखो, ज्यादातर व्लॉगिंग तो भाई 70-80 की स्पीड में होती है, होती तो वैसे उससे कम में ही है, मोस्टली लोग बातचीत उससे कम में ही करते हैं, पर फिर भी अगर आप 70-80 को रेफरेंस मान सकते हो व्लॉगिंग करने का, क्योंकि उससे ऊपर तो भाई फिर ज्यादा आदमी बोलता भी नहीं है। तो 70-80 के बीच में आप देख लो कैसी आवाज आ रही है, उससे कम कर देते हैं एक बार। सो भाई 50-60 के बीच में ऐसी आवाज आएगी, 50-60 के बीच में हॉलीलैंड लार्क M1 हाई वॉल्यूम नॉइस कैंसिलेशन ऑफ।
वो वाली सेटिंग में आपको ऐसी आवाज आएगी। थोड़ा और बढ़ाते हैं और फिर आगे चल के जरा नॉइस कैंसिलेशन करते हैं ऑन, सब लगाते हैं आप कोने में और नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देंगे इसी वीडियो में, तो क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम में कुछ फर्क आया नहीं आया। बाकी सब कुछ सेम रखूंगा मैं। तो भाई ऐसा है ना, मैंने सेटिंग देखी नहीं है एक्चुअली में, उसमें ऑलरेडी नॉइस कैंसिलेशन ऑन था। सो अभी तक के जो आपने फुटेज देखी जिसमें आपने ऑडियो सुना वो नॉइस कैंसिलेशन ऑन के साथ है। अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर दिया है। सो ये कंफ्यूजन के लिए जरा सॉरी है। सो भाई ये है आवाज बिना नॉइस कैंसिलेशन के, 40-50, 50-60 की बीच में, ये आपकी आवाज बिना नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए हुए, 50-60 की आवाज। सो भाई 50-60 की स्पीड में ऐसी आवाज आ रही है। उससे पहले ब्रेकर आ गया है, कट गया अपना। भाई 70-80 के बीच में ऐसी आवाज आ रही है, 70-80 के बीच में वॉल्यूम एकदम हाई है और नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, तो ऐसी आवाज आ रही है 70-80 के बीच में। इसको बढ़ाते हैं 80-90, तो 80-90 के बीच में नॉइस कैंसिलेशन ऑफ के साथ ऐसी आवाज आएगी आपको Insta360 में जब आप इसको अटैच करेंगे। और भाई 90-100 के बीच में या 110 तक भी पकड़ लीजिए आप, तो आपको ऐसी आवाज आएगी जब आप Insta360 में इसको हाई सेटिंग में नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करके यूज करेंगे। तो सही है भाई अपना सेटअप। सो भाई ये थी अपनी टेस्टिंग हॉलीलैंड लार्क M1 वायरलेस माइक को लेके, और अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का। आप अपना फीडबैक बताइए कमेंट्स में, माइक कैसा है, वायरलेस मोटो व्लॉगिंग करने के लिए यूज हो सकता है, नहीं यूज हो सकता है, आपका क्या कहना है। और अगर आपके कुछ डाउट है इस माइक को लेकर तो वो भी आप मेरे को पूछ लो, मैं बता दूंगा, मतलब जितना मेरे को पता वहां तक बता दूंगा। बाकी तो फिर भाई और बताने के लिए हमें भी रिसर्च ही करनी पड़ेगी। खैर एज ऑलवेज घूमते रहिए, फिरते रहिए, अय्याशी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड वन एवरीवन।